सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैडी और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ रीजंस टू नॉट बाय ओप्पो F3S प्लस। सो यहाँ पे ओप्पो F3S इंडिया में लॉन्च हो चुका है और पहले मैं आपसे जो है डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एडवांटेज तो उसके कुछ है नहीं कैमरा छोड़ के। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रीजंस, 6 या 7 रीजंस टू नॉट बाय ओप्पो F3S। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट रीजन जो कि है हाई प्राइस। सो आपको तो मालूम है हाई प्राइस मतलब ओप्पो ने इसको निकाला है जो कि 30 to 31,000 में गोल्ड और सिल्वर वेरिएंट पे। सो मतलब इतना फालतू फोन निकाला है। और अगर बात करते हैं कैमरा के बारे में, सो सिर्फ ये कैमरा के लिए बना है क्योंकि फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पे जो कि 8 मेगापिक्सल एक कैमरा मिलता है जो कि मतलब सिंगल इंडिविजुअल के लिए होता है, और 16 मेगापिक्सल मिलता है जो कि ग्रुप सेल्फी के लिए, और पीछे भी आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है। फ्रंट कैमरा की आपको 1.7 एपरेचर आई थिंक मिलता है, 1.7 to 8 के बीच में मिलता है एपरेचर। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि हाई प्राइस की वजह से अगर कॉम्पिटिटर हम कंपेयर करते हैं कि अदर कौन से कॉम्पिटिटर्स आते हैं, सो यहाँ पे कॉम्पिटिटर में आता है जो कि 1+3T। So, OnePlus 3T का एकदम अच्छा वाला वर्जन है, ग्राफिकल वर्जन है, और यहाँ पे आपको मिलता है अच्छा वर्जन, बेटर वर्जन यहाँ पे आपको मिलता है, क्लॉक स्पीड भी अच्छी मिलती है। सो मैं तो बोलता हूँ कि OnePlus 3T ही खरीदना बेटर है कंपेयर करता हूँ मैं ओप्पो के साथ। सो हाई प्राइस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है जो कि है 6.1 मार्शमेलो। सो ओप्पो F3S प्लस आपको दिया गया है, मतलब ये तो थर्ड वाला वर्जन आपको दिया गया है ओप्पो की तरफ से, लेकिन फिर भी इसमें आपको 6.0 मिलता है। आई होप इसको 7 आएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको इसको 0 मतलब। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है जो कि है ए टाइप पोर्ट वाला। सो ए टाइप पोर्ट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे ओप्पो F3S में आपको दिया गया है फास्ट चार्जिंग, जो कि वॉक फास्ट चार्जिंग दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ए टाइप पोर्ट है तो उसकी वजह से आप ऐसा सी टाइप पोर्ट जैसे कैसे भी लगाना तो वो आप नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि अभी नॉर्मली सब फोन्स को वन प्लस 3T का ले लो तो सब में आपको सी टाइप पोर्ट मिलता है। सो ये तो बेसिक मैंडेटरी है, तो वो तो देना ही चाहिए था। सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ बाकी से तो ये फोन सिर्फ कैमरा के लिए, बाकी पूरा कचरा भरा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो कि आपको यहाँ पे थर्ड वाले में मैं आपको बताना चाहता हूँ। थर्ड रीजन में यहाँ पे आपको मिलता है 1.95 GHz वाला प्रोसेसर। सो 1.95 GHz वाला प्रोसेसर मैं ऐसे नहीं बोलता कि बहुत खराब है, लेकिन ये आपको एवरेज प्रोसेसर मिलता है क्योंकि प्राइस आपको 30,000 rupees दी गई। सो प्राइस 30,000 मतलब ऐसे ध्यान में रखते हुए अगर आप कंपेयर करते हो दूसरे से, तो OnePlus 3T वापस आपको एक प्रॉब्लम आता है। OnePlus 3T में आपको 2.35 GHz का प्रोसेसर मिलता है और यहाँ पे 1.95 का GHz प्रोसेसर मिलता है। सो कंपेयर करते हो मैं OnePlus 3T के साथ, तो OnePlus 3T इस बार भी जीत जाता है, तो मतलब लेना तो बेकार है ये फोन। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, यहाँ पे आपको मिलता है जो कि है 6.0 का स्क्रीन। सो 6 मतलब 6 इंचेस का आपको स्क्रीन मिलता है। हालांकि मेरे हाथ में अभी तक फोन आया नहीं है रिव्यू के लिए, और ये फोन कौन पसंद भी नहीं करेगा रिव्यू करना, क्योंकि यहाँ पे आपको 6.0 स्क्रीन मिलता है। सो 1-handed यूज तो आप मतलब भूल ही जाओ करना, क्योंकि यहाँ पे आपको 2-handed यूज करना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको दिया गया है कुछ 4000 mAh बैटरी, तो 4000 mAh बैटरी में अगर कंपेयर करता हूँ वन प्लस 3T के साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको वन प्लस 3T में 5.5 HD डिस्प्ले दिया गया है, 5.5 इंच HD डिस्प्ले दिया गया है, और यहाँ पे ओप्पो F3S में आपको F3S प्लस में आपको 6.0 का डिस्प्ले दिया गया है। सो यहाँ पे जो है बैटरी जल्दी खाने वाला है, और ये आपको HD भी स्क्रीन मिलता है, तो उसके वजह से इफिशियंसी आपकी बैटरी की इतनी अच्छी नहीं होने वाली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट। सो ये तो प्रॉब्लम अपने को मतलब बहुत जब से MI ने चालू किया हाइब्रिड सिम स्लॉट देना, तभी से सब फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट ही देने लग गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 64 GB का, यहाँ पे एक अच्छा भी रीजन है यहाँ पे कि आपको 64 GB इंटरनल मिलती है। सो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब आप 2 SIM कार्ड आराम से लगा सकते हो, वरना 1 SIM कार्ड और 1 memory card लगा सकते हो। सो नॉर्मली इंडिया में हम 2 SIM कार्ड लगाते हैं, जियो का तो लगाना ही पड़ेगा, खत्म तो होने वाला है वैसे, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको 64 के आगे अगर मेमोरी चाहिए तो या यही पे जो है प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको मतलब किससे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट वाला कौन यहाँ पे आपको मिलता है जो कि है 4 GB ऑफ रैम। सो फोन आपको मिलता है 30,000, अगर आप मतलब अपने आंखों से आप देख सकते हो कि 30,000 rupees का फोन अगर मैं कंपेयर करता हूँ OnePlus 3T के साथ, वहाँ पे आपको मिलता है 6 GB ऑफ रैम। नॉर्मल पब्लिक क्या सोचता है रैम के बारे में कि उसको रैम कितना ज्यादा मिल रहा है,
तो उसी तरह से वो जो है बिहेव करता है। और तो यार नॉर्मल पब्लिक इसके बारे में सोचती है कि आपको वहाँ पे रैम ज़्यादा मिल रहा है वो इसमें वन प्लस थ्री टी में, और ओप्पो में आपको कम रैम मिल रहा है, 4 GB ऑफ रैम मिल रहा है, यहाँ पे आपको 6 GB ऑफ रैम मिल रहा है। सो पब्लिक जो है 6 GB ऑफ रैम वाला ही फ़ोन लेगी, और ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोसेसर भी अच्छा वाला मिलता है, सो इसमें इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा है नहीं ओप्पो F3s Plus में। सो यही है मेरा ओपिनियन कुछ ओप्पो F3 Plus के बारे में। यहाँ पे ज़्यादा कुछ रीजंस बताने लायक नहीं थे क्योंकि फ़ोन भी एवरेज आपको फीचर्स देता है, लेकिन बजट आपका मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको हाई प्राइस के पैसे 30,000 या 31,000 रुपीज़ में ये फ़ोन आता है। सो थोड़ा बहुत फीचर्स में थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था कंपेयर टू अगर आप करते हो वन प्लस थ्री टी के साथ। सो मैं यही आपके आपके आपको जो बोलना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको फोटो निकालनी है तो सेल्फी आपको मिलती है 16 MP 8 MP, लेकिन आपको ये सब अपलोड करना है फेसबुक पे, ट्विटर पे और अपने बाकी सोशल साइट्स पे, तो वहाँ पे तो कोई देखता नहीं कि आपकी क्लैरिटी कितनी है करके, ठीक है। सो यही एक प्रॉब्लम आता है क्योंकि आपको बस कैमरा के इसके लिए आपको बाकी सब फीचर्स हाथ धो बैठने पड़ेंगे। सो यही एक प्रॉब्लम आता है। सो देख लो, अगर आपको लेना है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हो। MI डू नॉट बाय MI 4 वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिया है आई बटन के। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको सिंबल मिलेगा मेरे चैनल का, वरना यहाँ पे कहाँ पे कहीं पे भी सिंबल मिल जाएगा स्क्रीन पे, आप जरूर से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको MI वीडियो भी मिलेगा डू नॉट बाय MI 4 करके, सो वो भी आप जाके जरूर से जो है देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ऑन पीस ऑफ फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, माय नेम इज शेडी एंड आई एम साइनिंग आउट। पीस।